टुकड़े गैंग नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे असली एक्सपोज किसे कहते हैं। आग की पट्टी खुलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे वीडियो में देखते हैं। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, हंसते हुए देते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? मतलब सोच देखिए, हिंदुस्तान दो भागों में बंट रहा है। एक तरफ अरबपति, जिसको 24 घंटे ये मीडिया वाले दिखाते हैं। मैंने इनको मित्र कहा, मगर ये आपके हमारे मित्र नहीं है। ये अदानी के मोदी के मित्र हैं। चौबीस घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। आपको किसान मीडिया पे नहीं दिख सकता, देखा कभी आपने? मजदूर देखा? बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, महंगाई के बारे में कभी बोलते हैं? मनरेगा के जो मजदूर हैं उनके बारे में बोलते हैं? नहीं। अंबानी की शादी देखी ना, 8-10 करोड़ रुपए वाली घड़ी देखी? तो दो भागों में हिंदुस्तान को बांट दिया है, एक तरफ अरबपति और दूसरे तरफ बाकी किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा। और सारा का सारा काम जो भी हुआ है वो ही 22-25 लोगों के लिए हुआ है। आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब यूपीए की सरकार ने कर्जा माफी की थी, अगर आप उस कर्जा माफी को 24 साल के लिए हर साल करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को कर्जा माफी में दिया है। और फिर कहते हैं क्या मैं सबको गरीब बना दूं? हां मोदी जी, 22 लोगों को छोड़ के आपने सबको गरीब बना दिया है, यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और क्यों किया? क्योंकि ये 22-25 लोग आपकी मार्केटिंग करते हैं, 24 घंटा आपका चेहरा टीवी पे लाते हैं। मगर भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी, आप सब जानते हो कि वो जो गुब्बारा था वो गुब्बारा फट गया, फटाक से गर्भ गुब्बारा फट गया। आजकल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कभी कभी जब मैं निकलता हूं, बीजेपी के लोग झंडा खड़े रहते हैं, मैं बता रहा हूं, देखो झंडा खड़े लिए देते हैं ऐसे, मेरी ओर देखते हैं, मैं कहता हूं अदानी, वो सिर नीचे कर देते हैं ऐसे। बीजेपी का झंडा मेरे सामने, मैं कहता हूं अदानी, बीजेपी के कार्यकर्ता यूं करते हैं, क्योंकि जानते हैं अदानी की सरकार है, अरबपतियों की सरकार है। पहले मैं आपको अग्निवीर के बारे में बताना चाहता हूं। अग्निवीर योजना का नाम सुना है आपने? सुना है? आजकल जो रिक्रूटिंग सेंटर होते थे, जो भरे रहते थे, आजकल सारे के सारे खाली हैं। सेना में कोई भर्ती नहीं होना चाहता है, कारण अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना का मतलब, नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। जब भी चाहते हैं उनको निकाला जा सकता है, 3 साल की भर्ती होगी और उसके बाद 4 में से 3 जवानों को कहा जाएगा
तुम लोग घर जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। भाइयों और बहनों आप सोचिए, दो जवान एक साथ लड़ेंगे, एक अग्निवीर होगा, दूसरा नॉर्मल जवान होगा। चाइना के खिलाफ लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, एक जवान को सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, अगर उसे कुछ हुआ कॉम्पनसेशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी। और उसके बाजू में जो खड़ा होगा उसी बंदूक के साथ, उन्हीं गोलियों के साथ जो लड़ेगा, उसको हिंदुस्तान की सरकार ना सही पूरी ट्रेनिंग देगी, ना शहीद का दर्जा देगी, ना पेंशन देगी, ना कैंटीन देगी, ना उसके परिवार की रक्षा होगी। आप सोचिए हिंदुस्तान की सेना का मोराल का क्या होगा। दो तरीके के शहीद बना दिए, सेना को बांट दिया, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान। तो पहला काम हमारा होगा, क्योंकि हम देशभक्त हैं, हमारा पहला काम होगा जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार बनेगी, 4 जून अग्निवीर योजना को हम लेकर ऐसे फाड़ फूड़ के डस्टबिन में कूड़ेदान में फेंक देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि ये आर्मी की योजना नहीं है, ये अदानी को मदद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी योजना लाए हैं, इसको हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, सबको पेंशन मिलनी चाहिए, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, सबको सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और मैं गारंटी देके कह रहा हूं, जैसे हमने योजना को फाड़ के फेंका, ये सारे के सारे जो आर्मी के सेंटर्स हैं ये एक बार फिर भर जाएंगे, युवा दौड़ते हुए इन सेंटर में जाएंगे और फिर से सेना में जाएंगे। पहला काम ये। अब मैंने आपको कहा कि देश को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तरफ 22 अरबपति, दूसरी तरफ आम जनता। तो आप कहोगे राहुल गांधी ने बात तो बता दी, मगर इलाज क्या है? इलाज मैं आपको बताने आया हूं। जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, गरीबों को दे देंगे। अब आप कहोगे हां स्टेट से कह दिया, मगर कैसे होगा बताता हूं। 4 जून को सरकार बनेगी, 5 जून को एक ऐतिहासिक काम, हिस्टोरिकल क्रांतिकारी काम होने जा रहा है, जो आप सपने में भी नहीं देख सकते, सोच नहीं सकते कि ऐसा काम किया जा सकता है, ये हम करने जा रहे हैं। भैया अभी आप अभी ताली मत बजाओ, अभी आपने सुना भी नहीं क्या होने जा रहा है, ताली बाद में बताना, बजाना। होगा क्या? हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, चाहे सोनीपत में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, तमिलनाडु, जहां भी हो, सबकी लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, लिस्ट बनेगी महिलाओं की। ताली मत बजाओ अभी, लिस्ट बनेगी, उसमें करोड़ों महिलाएं होंगी, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवा, इन सब के परिवारों की लिस्ट बनेगी। और फिर 5 जुलाई को ये जो परिवार हैं सुबह उठेंगे, 9 बजे सुबह उठेंगे,
और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को हर परिवार के खाते में बैंक अकाउंट में ठकाक से 8,500 रुपए अंदर। अब आप कहोगे क्या हुआ, हाँ आप ताली बजाई ना, अब आप कहोगे तो क्या हुआ, अब आप कहोगे तो क्या हुआ, 8,500 रुपए डाल दिए तो क्या हुआ, मैं बताता हूं। 5 जुलाई 8,500 रुपए, 5 अगस्त ठगाक 8,500, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च खटाखट 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 8,500 रुपए। आप सोचिए करोड़ों परिवारों को साल का 1,00,000 रुपया बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा।